अतीक अहमद को घोड़ों का बहुत शौक था। वे शौक उसे अपने पिता फिरोज अहमद से विरासत में मिला था। उनके पास सिंधी चाल नस्ल का शानदार काला घोड़ा था। काले घोड़े ने राजा भैया के घोड़े के साथ रेस लगाई थी और उसे हराया था। रेस के घोड़ों के शौकीन अतीक ने दो बेहद शानदार घोड़ियां भी पाली थी। मुहर्रम के समय जुलूस की अगवानी करने वाली वह घोड़ी पर बैठ कर जाते थे। अस्तबल से एक सवार यानी कि ट्रेनर के साथ दो सेवक हमेशा रहते थे। हालांकि अब ये किस हाल में है यह कोई नहीं बताता। अतीक के दिन बदलने के साथ घोड़ों की चर्चा भी बंद होती गई। अतीक के पिता फिरोज अहमद घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उनकी बग्घी काफी मशहूर थी। पिता का शौक अतीक को विरासत में मिला। उसने अपने अस्तबल में दो शानदार घोड़ियां पाली थी। घोड़ियों की सवारी अतीक साल में सिर्फ एक ही बार करता था। मुहर्रम के समय अतीक उनका भाई अशरफ घोड़ियों पर बैठकर ही जुलूस की अगवानी किया करते थे। अतीक अहमद ने करीब 25 साल पहले रेस लगाने वाले घोड़ों को पालना शुरू किया। सिंधी चाल नस्ल का उनका काला घोड़ा करीब 15 लाख रुपए का था। बताते हैं कि पहले कुंडा में घोड़ों की रेस होती थी। उसमें अतीक के काले घोड़े ने राजा भैया के घोड़े को हराया था। इतना ही नहीं, काले घोड़े ने बिहार के भोजपुर में कई बार रेस जीती थी। प्रतापगढ़ के दीवानगंज में 26 जनवरी को घोड़ों की रेस होती है। अतीक उसमें अपना घोड़ा जरूर भेजता था। अतीक के पास काले घोड़े के अलावा दो लाल घोड़े भी थे। इन घोड़ों को भी रेस के लिए तमाम जिलों में भेजा जाता था। अतीक अहमद ने अपने अस्तबल के लिए एक सवार यानी कि ट्रेनर को स्थायी रूप से रखा हुआ था। उसके अलावा घोड़ों की मालिश और खान पान के लिए दो सेवक रखे गए थे।